लोगों की जो सोच है पुलिस के प्रति उनको बदलाव कर सके और हर एक लोग से एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करके उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को सॉल्व करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर्तव्य हमें मिली है ये कंधे पे सिर्फ स्टार हमारा स्टार नहीं होता है, वो चीज़ें हमारे पर जिम्मेदारी हो जाती है, तो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। ये है दरोगा ट्रांसजेंडर जिनका बिहार पुलिस में चयन हुआ है। सीतामढ़ी की इस ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी की सफलता एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। बिहार पुलिस में SI के 1275 पदों पर हाल ही में आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हुआ, जिसमें 822 पुरुष, 450 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। खास बात यह है कि सीतामढ़ी की ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सफल रहीं। मुजफ्फरपुर स्थित तिरहुत रेंज के IG कार्यालय में सहरसा रेंज के DIG मनोज कुमार के नेतृत्व में आयोजित फेस मिलान प्रक्रिया के बाद 69 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी अवसर पर सीतामढ़ी से आई ट्रांसजेंडर दरोगा अभ्यर्थी ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। अब वह वर्दी पहनकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी और पुलिस विभाग में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगी। वैसे ट्रांसजेंडर दरोगा ने मीडिया से बातचीत में अपने नाम और पता सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी साझा की। आइए उन्होंने लोकल 18 से क्या बातचीत की, हम आपको बताते हैं। कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र मिला? काफी अच्छा महसूस हो रहा है और महसूस के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी मिल गई कि अब इस जिम्मेदारी को हम लोग को निभाना है और आगे जो चीज़ें हम लोग सोच के रखे हैं, हम लोग देखते हैं ऐसा मेरा समाज कार्यकर्ता का भी बहुत सारा वर्क रहा है, तो देखते थे कि चीज़ें कैसे सिस्टम को सही करें, तो आज वो सिस्टम में मौका मिला है और कोशिश रहेगी मेरी कि कुछ अच्छे से सुधार कर सकें, लोगों की जो सोच है पुलिस के प्रति उनको बदलाव कर सकें और हर एक लोग से एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करके उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को सॉल्व करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर्तव्य हमें मिली है ये कंधे पे सिर्फ स्टार हमारा स्टार नहीं होता है, वो चीज़ें हमारे पर जिम्मेदारी हो जाती हैं, तो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हम पे गर्व करे आने वाले वक्त में। प्रिपरेशन मेरा ऐसे तो सेल्फ स्टडी था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो प्रिपरेशन काफ़ी मतलब ज़्यादा ये नहीं रहा क्योंकि हमारा जो था वो बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा था, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारे भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो धैर्य से प्रिपरेशन करें और मेरे हिसाब से जैसे कि शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, तो उनको बोलना है कि जितना डीप में को स्टडी कर सकते हैं उतना डीप में स्टडी करें ताकि उनको चीज़ों नॉलेज अंदर में हो जाए, उसके बाद इस चीज़ों, क्योंकि ये दरोगा का जो एग्ज़ाम है आने वाले वक्त में ये चीज़ें और डीप होती जाएंगी, कंपटीशन बहुत टफ होता जाएगा, तो उनसे यही बोलेंगे कि आप लोग हो सकता है तो ये घटना चक्र ये जो इतनी भी है वो आप पढ़ो, घटना चक्र काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा इस प्रिपरेशन में, और NCERT भी पढ़ो 9th-10th की, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और शॉर्टकट मत अपनाना, ये चीज़ जो है वो थोड़ा डीप में है तो और आने वाले वक्त में और कंपटीशन बढ़ती जाएगी, तो बस यही बोलेंगे और हिम्मत नहीं हारना है, होप रखना है और बस मेहनत करना है। ये श्रेय अपनी माँ पापा को देना चाहेंगे, स्पेशली अपनी माँ को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट से, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैमिली से नहीं आते हैं, तो उन्होंने फिर भी कैसे कैसे मैनेज करके हमें इतना दूर तक पहुँचाया, आज वो जो श्रेय है अपनी माँ को हम देना चाहेंगे। आपको बता दें ये ट्रांसजेंडर दरोगा मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और उनकी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता विशेषकर अपनी माँ को दिया। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कई कठिनाइयों का सामना कर उन्हें पाला और आज वह इस सफलता के मुकाम पर पहुँची। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया बल्कि समाज को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतुराज की रिपोर्ट।